हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनूप सिंह और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक स्किल चैनल। दोस्त, आज हम जानेंगे कि फ्रैक्चर वर्किंग कैसे करता है। बहुत सारे कमेंट है हमारे पास, दोस्त पूछ रहे थे कि सर फ्रैक्चर का वर्किंग क्या होता है, हाइड्रोलिक्स कैसे वर्क करता है, न्यूमेटिक कैसे वर्क करता है, बेड पे फ्रैक्चर रखने के बाद अलाइनमेंट कैसे होती है, फ्रैक्चर में इंटरनल फिटिंग क्या होता है, इंटरनल कनेक्शन क्या होता है। तो आज सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने लेयर ऑफ लाइनिंग होती है फिक्चर के अंदर। ठीक है दोस्त, सारा कुछ आज इसमें क्लियर करूंगा। बेड टाइप में क्या होता है, हमारा रोटरी टाइप फिक्चर में कैसे कनेक्टिविटी होती है। तो फिक्चर के जितनी इंटरनल टेक्नोलॉजी है आज उसी पर बात करेंगे हम। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की वीडियो आगे आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स फिक्चर, न्यूमेटिक फिक्चर, राइट। तो आपने जैसे मैं पहले आपको बताया होगा कि फिक्चर का वर्किंग क्या होता है। देखिए, फिक्चर हमारे हिसाब से दो तरीके से वर्किंग करते हैं, एक हमारा हाइड्रोलिक्स होता है, एक हमारा न्यूमेटिक होता है, राइट। तो आज मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्त, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखे रहिए। मैं हाइड्रोलिक्स भी बताऊँगा, न्यूमेटिक भी बताऊँगा, क्या वर्किंग होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, ए टू जेड सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक देखते रहिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले आपको मैं न्यूमेटिक बता दूँ। देखिए, ये एक हमारा न्यूमेटिक फिक्चर है, आप लोगों को दिख रहा होगा न्यूमेटिक, इसमें सिलेंडर कहाँ लगा है। न्यूमेटिक होता है क्या, देखिए दो तरीके के होते हैं, एक तो हाइड्रोलिक्स होता है जो ऑयल से ऑपरेट होता है, और जो न्यूमेटिक होता है वो हमारा एयर से ऑपरेट होता है, राइट। तो एयर से जो ऑपरेट होता है उसे न्यूमेटिक कहते हैं। देखिए, इसमें न्यूमेटिक सिलेंडर लगे हैं, ये जो सिलेंडर दिख रहा है ना आपको, ये वाला नीचे, ये न्यूमेटिक सिलेंडर। इसमें देखिए इनलेट आउटलेट है, देखिए एक ये होल है, एक ये होल है, एक ये होल है और एक ये होल है। तो ऐसे जितने इसमें क्लैंप है सब में न्यूमेटिक लगा हुआ है, राइट। तो आप कहिएगा कि न्यूमेटिक बीएमसी का फिक्चर होता है, बिल्कुल बीएमसी का भी होता है, लीक टेस्टिंग भी होता है हमारा, फिर से वेल्डिंग भी फिक्चर होता है। तो हमारा जो ज़्यादातर जो कम प्रेशर से क्लैंप करने वाले जितनी भी पार्ट्स होते हैं, जैसे सीट मेटल की कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे एल्युमिनियम के भी पार्ट्स हैं, तो जहाँ हमें क्लैंपिंग प्रेशर कम ज़रूरत है वहाँ पर हम इसका न्यूमेटिक का यूज करते हैं, राइट। तो ये न्यूमेटिक का बीएमसी का फिक्चर है, ये पार्ट को क्लैंप किया है, ये हमारा वेल्डिंग का फिक्चर है, राइट। तो इसके बाद हम आपको मैं क्लियर हो गया होगा कि ये एक बीएमसी का नहीं है, ये एक वेल्डिंग का फिक्चर है, राइट। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेटिक में हम लीक टेस्टिंग कर सकते हैं, जितने भी सॉफ्ट क्लैंपिंग वाले चीज होते हैं वो चीज़ें हम इसमें मेंशन करते हैं, राइट। इस टाइप के फिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। इसका वर्किंग क्या होता है दोस्त, इसमें एक इनलेट एक आउटलेट दो होल होते हैं जिससे हम एयर को निकालते हैं। इसका भी कंट्रोल होता है जिससे ये एयर को कंट्रोल किया जाता है, किस टाइम कौन सा क्लैंप खोलना है, कौन सा डीक्लैंप करना, तो इनकी भी पीएलसी प्रोग्रामिंग होती है, राइट। तो अब आगे चलते हैं, हाइड्रोलिक्स पे बताऊंगा, हाइड्रोलिक्स में बहुत कुछ है। देखिए, इसकी अलाइनमेंट की बात करें तो ये अलाइनमेंट करके ही लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो इसमें अगर बीएमसी का जैसे फिक्चर अलाइनमेंट होता है सेम ऐसे ही होता है अगर बीएमसी पे लोड होगा तो, राइट। अगर ये हमारा ऐसे इंडिविजुअल है जैसे लीक टेस्टिंग है या वेल्डिंग है तो इसमें ये अलग ही रहता है, राइट। तो चलिए मैं आपको हाइड्रोलिक्स पे ले चलता हूँ। देखिए, ये हमारा हाइड्रोलिक्स का फिक्चर है, इसमें आपको लेयर बताऊंगा कितने लेयर होते हैं, क्या उसकी वर्किंग होती है। पहले आपको मैं बता दूं फिक्चर में है क्या क्या। सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको फिक्चर के जो इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हैं सबका नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो एक बेसिकली नॉलेज होना ज़रूरी है, तो आपको पता है। देखिए, ये बताइए क्या है, ये हमारा पूसर है, इसको पूसर कहते हैं, राइट। इसको हम पूसर कहते हैं जिसे हम किसी भी पार्ट को एक ओरिएंट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। इसमें आप देखिएगा वर्क सपोर्ट भी होते हैं,
तो वर्क सपोर्ट और पुशर में अंतर क्या होता है पता है आपको? चलिए नहीं पता मैं बता दूं। देखिए वर्क सपोर्ट इसमें तो है नहीं इस पिक्चर में, लेकिन मैं आपको बता दूं वर्क सपोर्ट क्या होता है कि जिस भी एरिया पे उसको हाई पॉइंट मिल जाए, मतलब जहां पे भी आप उसको एक लोड हल्का सा मिल गया वहीं पे वो होल्ड हो जाता है राइट। लेकिन पुशर में ये चीज नहीं है। पुशर क्या करता है, ये जितनी इसकी सिलेंडर की वर्किंग होती है उतना वो हाई प्रेशर से वर्क करता है राइट। तो इसमें एक यही अंतर है। तो ये जितनी सिलेंडर की मतलब जितनी प्रेशर होगा वो ये नहीं है कि हाँ जहाँ रोक दिए वहीं रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना फुल सिलेंडर मूवमेंट करता है राइट। तो ये हमारा पुशर होता है। तो ये एक फिक्चर है, ये हाइड्रोलिक्स फिक्चर है राइट। तो इसमें क्या है कि देखिए ये दो पुशर है हमारे, ये रेस्टिंग है, ये ओरिएंटेशन पिन है, ये क्लैंप है, ये सिलेंडर है राइट, ये सब सिलेंडर है, ये पैकिंग है, ये हमारा पोका उका लगा रखा होगा या रेस्टिंग है, रेस्टिंग है एक तरीके से, रेस्टिंग है, इधर रुक रहा राइट। तो एक तरीके से ये आप कंपोनेंट के बारे में पता चल गया, ये चार स्टेशन का पिक्चर है। दूसरी बात करूँ तो ये बेड टाइप पिक्चर है, बेड टाइप। देखिए इसमें ये क्या है कि इसमें देखिए कितने बार होता है पिक्चर लेयर टू लेयर बनाए जाते हैं, ये डबल लेयर पिक्चर है राइट, इसमें दो लेयर है। नहीं तो कितने बार में आप देखिएगा कि क्या होता है कि ये पिक्चर अलग होता है, बेड अलग होता है, लेकिन ये जो पिक्चर डिजाइन है इसमें क्या है कि बेड भी इसमें जरूरत ना पड़ेगी, डायरेक्ट बीएमसी पे आप लगा सकते हैं। देखिए टीनट लगा के आपको इसमें दिखाया गया, बस खाली यहाँ आपको बोल्ट डालनी है, इसको टाइट करनी है राइट। तो ये एक बोल्ट है। अब इसमें आपको लेयर बताऊँ, देखिए लेयर क्या होता है, इंटरनल लेयरिंग होती है, इंटरनल मतलब इसमें होती है होल होती है, जिससे हम ऊपर से जो हमें विजुअल नहीं दिखती है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करूं। इसको ट्रांसपेरेंट कर देना। देखिए ट्रांसपेरेंट किया मैंने, तो इसमें तीन लेयर आपको दिख रहा होगा, यहां से कलर कोडिंग भी है, एक रेड है, एक येलो, एक ग्रीन है राइट। तो इसमें क्या है कि ये इसमें एक तो क्लैम डी क्लैम्प का होगा राइट, एक होगा हमारा जो वर्कशॉप ये पुशर जो चल रहे हैं इनके लिए राइट। तो ये थ्री लेयर हमारा फिक्चर है। तो इसमें हम अब आप कहिएगा इसका हाइड्रोलिक्स कनेक्टिविटी कहाँ दे सकते हैं, हम कहीं से दे सकते हैं दोस्त। इसमें ये नहीं होता है कि हमें हाइड्रोलिक्स यहीं से देनी है, हमें तीन होल का कनेक्टिविटी देना होता है, जो कि एक तो हमारा जैसे पुशर होता है वो क्लैंप में भी क्लैंप में ही होता है, क्योंकि उसमें सिंगल फ्लो कंट्रोल होता है राइट, सिंगल ही होता है, इसमें डबल नहीं होता, पुशर में डबल कनेक्टिविटी नहीं होता है, सिंगल ही होता है राइट। तो इसमें सिंगल से ही हम कर लेते हैं राइट। तो इसमें क्लैंप के साथ ही कनेक्ट होगा और एक डी क्लैंप होगा ठीक है। तो ऐसे ये करके होते हैं, मैं आपको इसको हटा के दिखाऊँ। देखिए ये सब ऊपर आके खुले पड़े हैं, देखिएगा ये यहाँ खुला यहाँ खुला। तो सब अपना एक कहा जाए तो जो हमारा रेड ग्रीन करके जैसे ये क्लैंप है, क्लैंप में देखिए डबल दे रखा है, और आपको थोड़ा सा और घुमाएं, इसमें भी दो दो होल होगा देखिए, एक क्लैंप का एक डी क्लैंप का ठीक है दोस्त। तो इसमें अपना एक होल का कनेक्शन मिल जाता है, और ये हाइड्रोलिक्स फिक्चर थ्री लेयर का, और इसमें बेड टाइप ये फिक्चर है। देखिए बेड टाइप और रोटरी टाइप में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, जो इंटरनल फिटिंग होता है। किसी किसी में दोस्त ये चीज आपको ये जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन चार मिल जाती है, जिसमें पांच भी मिल जाती है किसी किसी में, लेकिन मैक्स चार ही रहता है, क्योंकि एक हमारा एयर चेक सीट हो जाता है जहाँ पांच होती है, वहाँ पे भी एक्सटर्नल फिटिंग देनी पड़ती है ठीक है दोस्त। एक्सटर्नल की बात करें तो एक होल इसमें से एक्सटर्नल मतलब डायरेक्ट हो टेलीस्टॉक से, अगर बीएमसी है रोटरी है तो उस पर डायरेक्ट हम टेलीस्टॉक से चार ही चला सकते हैं, पाँच के लिए हमें एक्सटर्नल करनी पड़ती है राइट। पाँच भी होते हैं लेकिन उसके लिए फिर आपको स्पेशल सब कुछ बनवाने पड़ते हैं राइट। तो चलिए मैं और एक आपको दो लेयर का और पिक्चर दिखाऊं। ये हमारे पास टू लेयर पिक्चर है, इसमें हमारा दो लेयर है, ये भी एक
हमारे पास बीएमसी का ही फिक्चर है, राइट। इसमें भी क्लैंप है लेकिन इसमें पुशर आपको नहीं मिलेगा। मैं उसको इसलिए दिखाया था, उसमें 3 लेयर है पुशर में, ठीक है। इसमें आपको 2 लेयर मिलेगा। अगर इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँ आपके लिए, देखिए ट्रांसपेरेंट करते इसमें देखिए आपको 2 लेयर दिख रही होगी, एक ग्रीन और एक रेड, राइट। ये जो रेड है वो रेड को ही कट करेगा, ग्रीन ग्रीन को ही कट करेगा। ये आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं होते। अगर ओवरलैप हो गया, इंटरनल लीकेज हो गई, तो ये बेस प्लेट कहते हैं पिक्चर का, ये बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्लैंप, सिलेंडर, रेस्टिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है दोस्त। तो आगे आपको एक चीज़ और बोनस के रूप में बता दूँ, क्योंकि मैंने बताया नहीं था, ये चीज़ बताऊँगा। चलिए मैं HMC भी बता दूँ। देखिए HMC में भी ऐसे ही होता है। HMC में क्या होता है कि एक तरीके से आप HMC अगर चलाए होंगे तो ये हमारा एक पैलेट मिल जाता है जिसपे हम फिक्चर को बांधते हैं, राइट। इसमें 4 फिक्चर लोड हो जाते हैं चारों तरफ से, तो ये घूमता रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, तो चारों तरफ से इसमें फिक्चर लोड होते हैं। इसमें क्लैंप डिक्लैंप का वैसे ही रहता है, जैसे इसमें देखिए होल दिए हैं, इस तरीके से हमारे फिक्चर में होल कनेक्ट होते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको ट्रांसपेरेंट करके इसको भी दिखा दूँ, इसमें अगर ट्रांसपेरेंट करूँ मैं तो देखिए वैसे ही दिख रहा। इसमें भी 2 होल कर रखे हैं जो कि कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है दोस्त। तो ऐसे हम HMC में भी देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा नीचे से कनेक्ट रहता है सारा होल का कनेक्शन, राइट। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा होल कहाँ है, किसका है। अगर आपको पता नहीं चलता कौन सा क्लैंप है, कौन सा डी क्लैंप है, तो हम इसमें इजीली ईयर मार के होल में, एक एक होल में, मान लीजिए कि हमें अगर इस पे बेड टाइप पे, तो खैर एक होल में ईयर मारेंगे तो ऑटोमेटिक क्लैंप हो जाता है, डी क्लैंप हो जाता है, या चेक सीट वर्किंग होती है, या चेक सीट वर्किंग या पुशर है तो पुशर वर्किंग में आ जाता है, राइट। तो इस तरह ईयर मार के भी चेक कर सकते हैं। पर रोटरी टाइप है तो रोटरी टाइप में भी कर सकते हैं। तो इसी टाइप के हम चेक इस तरीके से कर लेते हैं। ये हमारा रोबोटिक फिक्चर है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।